अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मीठे पकौड़े आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसमें ऐसे लोगों को लेकर आएंगे आपके सामने जो इस मौशरे का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन क्या वो मौशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ मलिक, कहने को ये कॉन्ट्रैक्टर है। देखते हैं। वेलकम जी। वेलकम जी, वेलकम तो आनो जी, वेलकम। प्रॉपर्टी के क्या हालात है? तुसी अपने दसो की हालात ने? तबीयत बेहतर है, सेहत ठीक है, बच्चे ठीक ने, रोटी रोटी खा रहे हो, घर च पक रहे हो कुछ या नहीं? की शुरू शुरू कर लिया तुसी? मिठे पकौड़े, मिठे पकौड़े मंगाए थे या नहीं? अपने घर च रह रहे हो कि किराए दा? जे इससे आपको मतलब नहीं, हमारा देखे प्रोफेशनल है प्रॉपर्टी। हमने सबसे पहले अपने कस्टमर से पूछना है कि अपना घर है या किराए का है। अगर तो किराए का है फिर हम छोटी किस्त बना के देते हैं उसे। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कस्टमर नहीं हूँ जी। जी आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए प्रेशर डालकर आए। ये भी मशहूरी होती है ना, जब तक हम पहुँचेंगे नहीं लोगों तक तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। हाँ जी, ये बताइए सर, प्रॉपर्टी के हालात कैसे हैं? प्रॉपर्टी, एक मिनट ठहरना, जरा जरूरी कॉल है। मैं पहले हेलो सर। हाँ जी, किन्नी बेटे किन्नी जमीन? 200 एकड़। नहीं, 200 एकड़ का सौदा मेरा हो ही नहीं सकता। देखो असी छोटे मोटे सौदे नहीं लेंदे। नहीं, 200 एकड़, कुछ हज़ार को एकड़ किधर रहेगी ना? लॉर्ज मैंने वहा DHA 6 ने सज्जे खबे वगा दे किधर है, कोई रकबा पिंड पूरे पिंड ही ले लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ओके जी मेरी जान। सॉरी जी, जी जी मेरी जान। हाँ जी, नहीं नहीं बेटे, मैं 200 एकड़ तो कुछ नहीं समझ रहा, तो 50 एकड़ की करना मैं? कितने पे है बरकी दे अगले पास मेन सड़क पर? फ्रंट कितना? 200 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, मैं कर लेना, मैं कर, मैं चेक करके तुम दसदा मैं इस टाइम किधर शो देगा। मैडम नहीं अपने बड़े माशाल्लाह प्यारे ने? हाँ हाँ हाँ, वही आयशा, आयशा जहाँ जेब जी। ओके ओके जी, तुम गल कर रहे हो, आप पूछ रही थी प्रॉपर्टी के हालात। हमारा ध्यान हर तरफ होता है। क्या बेहूदगी है? बिजनेस है हमारा, आपका बिजनेस है, आप शो में बैठे हैं, आप फोन अटेंड किए चले जा रहे हैं। मैं बाथरूम च भी फोन सुन लेना, मैं सुता हुआ मैं उधर ही सुन लेना। आपका जाती मामला है। नहीं, जाती मामला नहीं है, मामला है लोगों का। देखो लोगों ने करने से पहले, मैं सुनने में इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, आप अभी रोना रो रहे हैं प्रॉपर्टी का, क्या हालात क्या होने? गवर्नमेंट ने देखो साह नहीं लैन दे रही, गरीब आदमी भुखा मर रहा है, आटा चीनी दाल पानी पूरा नहीं हो रहा। तो तुम मैं सिर्फ यह दसो कि प्रॉपर्टी लोग किंज लैणगे ते किंज वेचणगे? एक मिनट, प्रॉपर्टी में तो बूम आया है इस वक्त। की मतलब? इस हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम दी है, इस हुकूमत ने टैक्स छोड़े हैं, इस हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के इतने सारे प्रोजेक्ट्स खोले, क्या रोना रो रहे हो बिला वजह का? हेलो। हाँ जी बेटे, मैं मना किया। अच्छा दूजे नंबर पर कर रहे हैं? हाँ कितों? पसीन? हाँ पसीन मैं वेखिया, सारा वेखिया बेटे, पिंड अपना सुहेल चौकत बट बच्चा अपना पूछी हूँ मेरा। किन्नी जमीन है? किसे बुला लिया? 70 एकड़। चलो तुम मैं तो कागज़ भेजो, होने होने व्हाट्सएप करो, ऐसे नंबर पर करो। ओके, अगली बार मुझे कोई प्रेशर दे के आया ना तो फिर देखना, तुम्हारे बाल नहीं रहेंगे सर पे। नहीं नहीं, प्रेशर तो कोई भी नहीं है, आपसे बात नहीं है। मैं नाश्ता बड़ा कट करता, प्रेशर बनता ही नहीं। ये बताएं, आप कब्जे की जमीनें खरीदते हैं? कौन कौन? फयाज मलिक, आप कब्जे की जमीनें खरीदते हैं? देखिए मोहतरमा, आप एक पढ़ी लिखी समझदार और माशाल्लाह गुड लुकिंग भी है, ये अंदर की बात नहीं है, असल है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। अगर कोई बंदा आता है गरीब आदमी आप जैसा फंसा हुआ जो घबराया हुआ जो कहता है जी हम मीडिया में भी हैं, मीडिया लेकिन फिर भी हमें जो ये है ना कब्जा ग्रुप तंग कर रहे हैं। एक बंदा कहता है जी मेरा ये फोन है 2.5 लाख का, कब्जा हुआ हुआ है, इसका मुझे टका नहीं मिल रहा, आप ऐसा करें मुझे 1 लाख रुपया दें, ये फोन भी आपका कब्जा भी आप ले लें। तो अगर 1 लाख रुपए में मैं उधर से कब्जा छुड़वा के साथ ये वाला फोन भी ले लेता हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि ये फोन हो गया मेरा, मैंने 1 लाख रुपए। इतनी भुखी है, मैं मिसाल देती है तो वह पै गया, ले गया पता नहीं। आप जैसे लोग कब्जा ग्रुप होते हैं? नहीं नहीं, कब्जा ग्रुप नहीं, कब्जा ग्रुपा को लोग छुड़ा के जमीन गरीब का भला करके ते अपनी फिर उते कॉलोनी बना ली थी। आप तो बेवाओं को नहीं छोड़ते। की मतलब? अल्लाह माफी देवे, मैं की क्या बेवाओं? आप उनकी जमीनों पर कब्जे कर लेते? नहीं एक मिनट है। हाँ जी, जब कोई सवाल करो आगे से फोन उठा के आएंगी। शेखुपुरा रोड से आओ, देखी मैं टोल प्लाजा लंघ दे अल मदीना कॉलोनी बेटे, उते 2000 रुपए मरला कोई नहीं लेंदा, मैं सारी कॉलोनी कितने नासा च ले ला, ना उते पानी ना बिजली ना गैस। हाय हाय हाय, पानी बिजली ना गैस, किड्डा पक्का रिदम आया जी, ना पानी ना बिजली ना गैस, जरा हल्का जहा सिर ते मारो सामते, ना पानी ना बिजली ना गैस। इस किस्म की फजूल हरकतें नहीं आती। अच्छा साढ़े सामने फजूल हरकत नहीं आदि? नहीं तेरों नहीं कह रहा, होल्ड रख, साढ़े सामने फजूल हरकत नहीं आदि, असं तो शो नहीं वेखते, असं सबसक्राइब किया तो जनाब सबसक्राइब किया सबसक्राइब उत्ते दगड़ता 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 ऐ वेख्या जी सिर हिल गया। हैलो सिर हिल गया बेटे, डील पक्की हुई, ले 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 सारी जमीन ले, तू टूल प्लाजा भी बेचे ले ले, गवर्नमेंट ना कर लेंगे गल बंद कर। एक सेकंड, गवर्नमेंट में आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? क्यों जी? जो फाइलें आपकी रुकती है हाँ, उन्हें आगे कैसे पहुंचाते हैं? पहिए लाके, पहिए मतलब पैंथर दे टायर चार बूम बूम हो गए। नहीं, फाइल है गाड़ी नहीं है। पहिए का मतलब होता है नोट,
नोट नोट अनपढ़ लगे हो, करोड़ा रुपया ला के फाइलों इंज करके तो झिंच कच 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 कचका जेड़ा नहीं मनता अफसर वो भी बन जाता जे लोगों के ईमान से खेलते हो, शर्म नहीं आती? अच्छा एक बंदा आप बैठा है उसे कहना जी भाई ने लिख के लाया ईमान बराए फरोख्त तो मैं जाके उन्होंने कही जमा सही हो जा पैसे लेंदी दुनिया कम कर बातें छोड़ो आपका अपना जाती घर कितना बड़ा है? मेरा गरीब आदमी है जी असि लोगों के भले करते मैं छोटे जे घर च रहना कितना दो कनाल का घर जे एक कनाल च घर बनाया कोठी तो कह ही नहीं सकते कनाल च की कोठी बन सकती तो एक कनाल का मैं लॉन छड़िया बच्चे उत्थे भजदे नसदे ने फिर पर भी लैंदे ने बिच बगीचा है ना वध वध जांदे बूटे वेन जी हमने सुना आपने अपने भाई की जमीन पर कब्जा करके लॉन बनाया एक मिनट खबरदार कोई फोन उठाया तो केड़े ते आ रहे सी हेलो हां जी कहो जी खबर दे रहे नहीं किन्नी लख लानत तेरे ते बेटे मैं फयाज मलक काम ढाई मरने का प्लाट दूर फिटे मु तेरा देखो केड़ी केड़ी बिच कॉल आ गई ड्रामे करते रहते हैं आप आपके पास जमीन तो होती नहीं है लोगों की फाइलें उठा के फिरते रहते हैं उन्हीं का पैसा और अपना कारोबार चमकाते लेते हैं अच्छा नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आनी तो बिल्कुल नहीं आनी थोड़े सालन नाल दो रोटियां खाने लिए बिल्कुल तो समझ नहीं आनी बड़ी अच्छी आवाज आई बाहरों आइसक्रीम तो मंगाओ एक आप नानो कुमार का नहीं एड्डी सोहनी नानो हो बंदा जावे ही ना पिंडों नानो मैंने तुम्हें गंजा कर देना इस किस्म का कोई बेहुदा गेस्ट आया तो ओए अगली बारी टेंड करा के आई क्योंकि गेस्ट इतने इंजदे ही आने अच्छा मैं कह रहा था कि ना तुसी आइसक्रीम मंगाई वो उधर नहीं खड़ा सामने खड़ा है किधर खड़ा है ओए जिधर भी खड़ा टेंड करा के आई यार छोड़ो तुसी गल्लां करो इधर वेखो साडी अखां च अखां पाओ बल्कि इंज कर लैंदे हाय 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 माशाल्लाह जैकी श्रॉफ नहीं लग रहा मैं देखो अच्छा पहली बारी आए तुम चोपड़ा लग रहे हो नहीं एक बार एक बंद ने लिखा भी होया सी थले एक शो से कहना प्रेम चोपड़ा का नजायज़ बच्चा होता है जुगत की किसी ने पर मैंने नहीं मिट्टू की मिट्टू नहीं जे मिट्टू गाजियाबादी उन्हू अच्छा मैं गल कर रहा सर कि तुहाडे शो च आए पहली बार एड्डा वड्डा नाम है पाकिस्तान का फयाज मलक साहब प्रॉपर्टी डीलर बल्कि प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं पता नहीं लैंड माफिया तो दूसरे होंगे ने अच्छा मैं कहना चाहना कि शो का नाँ रख लिया तुम मिठे पकौड़े जी ना चाह आईए ना कोई मिठे पकौड़े ना फिके पकौड़े तुहानू वेख के दिल ठंडा हो गया बस इन्ना है मगर ना ठंडा पानी भी नहीं आया आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि पापे और चाय के अलावा कुछ नहीं चलेगा तो ब्रेक होगी तो खिला देंगे आपको अच्छा ब्रेक मिलेगा हाँ जी उस तो पहले नहीं नहीं लो मैं इतने स्कूले आया वहाँ ब्रेक होगी रिसेस टाइम में तुम्हें मिलेगा चाय और पापा उन्हें छोड़ो तुसी ते सानू कुछ खाना पीना नहीं भूखे लगे हो तुहाडे वास्ते मैं एक नवी अपॉर्चुनिटी लैके आया जे मेरे लिए जी क्या मैं एक नवी कलोनी बना रहा टीचरिया हाउसिंग स्कीम जी उत्थे मैं पहले बनाना एक स्कूल बहुत बड़ा सरकारी लैवल का होएगा प्राइवेट लेकिन सरकारी लैवल का तुम गल सुन लो ना वो बनाना स्कूल उत्थे मैं रखने ने टीचर बच्चे बच्चिया पढ़ाएंगे बच्चिया दिफ्टा लैदा बच्चिया दैदा सुबह शाम दो टाइम करा ना स्कूल जरा वड्डा बनावे लोग कट्ठे करा जेडे टीचर उत्थे आ के जॉब करे बच्चिया पढ़ाएंगे उन्होंने मिलेगा प्लाट उत्थे किस्तां ते लेकिन तुहानू फ्री क्योंकि तुहाडी तनखा कट्टी जावांगे ना प्लाट ले जाना तुसी कॉर्नर रखिया जे मैं 10 मरले दा कौन सी तनखा क्या फजूल बातें करे मैं क्यों आऊंगी वहां ते पहले टीचर नहीं सो तुसी हां तो पहले थी ना ते हुण भी हो जाओ हुण की ये जुबान कटी गई है उदों ते बच्चे दे टिफिन चो अद्धा अंडा बड़े प्यार नाल खा लेंदे हुंदे सो नाले भी कहना मम्मा से कहना कल डबल कर लो डबल हैं सानू सारी इक इक इतला है सानू फजूल बातें जेडे स्कूल तुसी पढ़ांदे रहे हो ना वो भी जमीन मैं बेची प्लाट आप तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे पुराना है वो एजिसन कॉलेज की बात हो रही है मेरे अब्बू सानू तो प्रॉपर्टी डीलर पुश दर पुश बेचते आए हैं इस मुल्क को जी जी नियाज मलक साहब उन्होंने नाम नियाज मलक मेरा नाम फयाज मलक लो आप सियासत में आना चाहते हैं कौन मैं लानत ये जो गमला मेरे सामने रखा है वो सियासत में आना चाहता है अच्छा देखो हर शरीफ आदमी चाहता है कि मैं सियासत च ना ही आवां अच्छा ते मैं भी यही चाहना कि मैं ना ही आवां सियासत साडे लोकां दा काम नहीं सी बिजनेसमैन लोग हैं जनाबे अल्लाह एवें मुड़ के सियासत च आ जाइए फिर कोई इमरान खान नवा आ जाए कवे जी ए मियां साहब कर रहे ने करप्शन क्योंकि कारोबारी ने मैं कारोबारी है मैं सियासत च नहीं जाना जाने दे फयाज मलिक साहब आप जैसे लोगों पे कौन हाथ डालता है आपकी तो खबर तक टीवी पे नहीं चलती मैं कि जिस नु तेल लाया हाथ पाएगा ते तिलक जाऊंगा क्यों नहीं पांदे बड़े बड़े हाथ पांदे आपने तेल लगाया हुआ है ना जी वो बड़े बड़ों की लगा देते हैं एक मिनट हेलो बेटे जो मैं एक बार दस्या जो अच्छा दूजे नंबर ते कर रहे हैं हाँ किथे जल्लो जल्लो पिंड च जल्लो में चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरता ये हेलो आवाज कट रही तेरी तुहाडी ज्यादा क्लियर आ रही अच्छा आपने जो की तुहाडी ज्यादा क्लियर आवाज आ रही है ऑडियो बड़ी क्लियर है जल्लो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते अल्लाह माफी दवे सी रकबा लैन जा रहे हैं को कुड़ी चुकन थोड़ी जा रहे हैं जेड़ा चुल्लू पर वैसे तुम्हारी आवाज भी क्लियर है माशाल्लाह शक्ल भी काफी क्लियर हो गई एक्सक्यूज मी कोई डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हो क्या मेकअप का कमाल है सारा आप केड़ा कजल केड़ा लांदे हो आपने जो आईब्रोज बनवांदे हो या पदेशी ने आपने जो नेरिया टाउन बनाया है हां जी
आपको पता है उसमें कितने गांव आए? कितने? मेरा ख्याल कोई 30 गांव सन। और आपने सारे बेदर्दी से खरीदे? बेदर्दी से मैं शांटे मार मार के कड्डे बंदे। आपने जबरदस्ती किया लोगों के साथ? ओ नहीं मेरी जान, मेरा मतलब है कि मैडम गल है कि मैं उन्होंने देते प्रॉफिट पैसे। देखो एक बंदे का जो है कार है, फर्ज करो। खबरदार मुझे कोई फर्ज वर्ज नहीं करना। अच्छा चलो उठा लोगे इस चक्कर में। अच्छा चलो इंज कर लो कि एक बंदे का घर है छोटा जहा, उन्हें पैसे देते 5 मरले दे, जगह है उदी 3.5 मरले, 1.5 मरले का प्रॉफिट ही देता है ना। इतने अच्छे नहीं आप, पता है मुझे सारा। अच्छा नहीं, आपको पता है मेरा कब्जे कर रहे हैं आप लोगों? नहीं नहीं कब्जे नहीं, मैं आपको बता रहा था कि लोगों की झोपड़ियां गिराते हैं। अल्लाह माफी दे, मैं कुछ बुलडोजर लेके फिरन दिया वहां, मैं कुछ नाजायज तजावजात टा रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बताएं नहरिया टाउन में कौन कौन सी सहूलतें देने वाले आप? सहूलत कोई एक ही होते जनाब, सब तो पहले थे नहरिया टाउन का स्कूल अपना। अच्छा उस तो बाद बिजली अपनी, पानी अपना। यानी बिजली नहीं जाएगी? बत्ती जानी ही नहीं जनाब, अल्लाह भावे करंट खाओ 5-5 मिनट बाद, गलती मर गई इंज हथ लग जाए, बत्ती नहीं जाएगी। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਫਿਊਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ, ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲੀਏ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਕੁਛ ਬਤਾਓ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਗੇਟ ਲੈਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਝ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਜਿੰਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ? ਚਰਸਾਂ ਪੀਓ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ, ਘੁੰਮੋ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਟਿਨ ਪੀਓ ਟਿਨ, ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਉਹ ਪੀਓ, ਚਾਰਦਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? उस प्रोड्यूसर पे प्रेशर डाल के आए, रजी राजपूत क्या जरूरत थी इसे बुलाने की? रजी राजपूत पुत्र तेने जो प्रेशर है ते बाथरूम जा क्यों? अच्छा मैंने पहले दस दो, इधर खड़ा इधर खड़ा, फिर तुसी कहना जी उधर दरमियान में खड़े गरीब खलोता रहा यार। अच्छा तो बात कर रहे थे बस आपसे मेरी बात हो गई। सबसे बड़ी बात, कॉलोनी में मैं एयरपोर्ट बना रहा हूं। क्या फसवास है ये? क्यों कॉलोनी में एयरपोर्ट कैसे बन सकता? छोटे जहाज बच्चे वाले, छोटे जहाज नहीं होंगे, फोकर तैयार है, कभी बैठी है कि नहीं? ਇਸ ਕਰਦੂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਪਿਡ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਜਹਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼। ਜਹਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਬ ਝੂਠ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਝੂਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज और इस तरह के जो कब्जा माफिया के ओनर्स होते हैं ना, वो लाल और सब्ज बाग दिखाते हैं अपने अपने खरीदारों को, ताकि वो लालच में आकर उनकी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें। बेशतर प्लॉट ऐसे होते हैं इन लोगों के जो कब्जा किए गए होते हैं, बेवाओं के, यतीमों के प्लॉट है। एक एक फाइल को 10-10 दफा बेचते हैं ये लोग, और उस पर कमीशन लेते हैं। डीलर से भी सारे रख लो, कमीशन लेते हैं, और खुद आप लोगों से भी कमीशन चार्ज करते हैं। 15 मरले का प्लॉट नाले सारे फोन। ये देखो दफा कराओ, असलियत क्या है? कैमरे बंद कर दे यार। हेलो, इनके खिलाफ भाई आवाज उठाएं, ओए ओए, और इनको लेकर जाएं। और रजीब बड़ा, ताकि इस तरह का कब्जा माफिया कभी आप लोगों को बेवकूफ ना बना। ओए बड़ा ऊंट दे पैर का मुंह तेरा, बंद करो कैमरे कुमरे, बंद करो, खबरदार मैं जा रहा हूं जी, खुदा हाफिज। आज तो बहुत बड़ा ही कोई कठिया आदमी होवे जेड़ा तेरे शो जावे। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी तो खैर नहीं।